शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने कोई काम किया, कोई बता देंगे कोई क्या किया उन्होंने? शहबाज शरीफ साहब ने ना सिवाय चोरी करने के सिवा कोई काम नहीं किया। आपने सिर्फ ये सुनना है कि उसने अच्छा काम किया या आपने सच सुनना है? जो काम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में किए है ना, वो पाकिस्तान के किसी सरबराह ने भी नहीं किया। डॉलर सस्ता है, तेल सस्ता है, आटा सस्ता है, सिर्फ इंसान सस्ता नहीं है। जो काम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में किए है ना, वो पाकिस्तान के किसी सरबराह ने भी नहीं किया। ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। क्या क्या किया? जो काम उन्होंने किए हैं, जो भी मोटरवे बनाई है, पुल बनाया, मुल्क बना दिया, सड़कें बना दी, मोटरवे 1 2 3 4 9 9 तक बना दिया, ये काम किसने किया? भट्टो ने किया, एनडीए ने किया, बताओ ना, मोहिन कुरैशी ने किया? नहीं नहीं, यहाँ उसने किया, गैरा मुशरफ कर गया। उन्होंने अपने पैसे, अपने जाती पैसे ये सारा काम लगा के काम, सारा काम उन्हीं ने किया और वही काम करने वाले हैं। नहीं, मुझे बताया इन्होंने अपने जाती पैसे लगाए या फिर हमारे पैसों से किए? नहीं नहीं, जाती पैसे नहीं लगाया उन्होंने। उन्होंने बात सुने मेरी, उन्होंने जो भी देखे मोटरवे उन्होंने बनवाई है बगैर पैसे के। एक रुपया नहीं, फ्री में बनाई है। फ्री में बनाई है, उनको ठेका दे दिया। किनको? उनको डेवो वालों को। ये डेवो कंपनी है सिंगापुर की, जिन्होंने ये मोटरवे बनाई थी, डेवो ने बनाई है। डेवो ने, आज मुझे पता लगा कि नवाज शरीफ ने नहीं मोटरवे बनाई, ये डेवो ने बनाई है। ओए, मगर कोशिश उसकी थी ना, वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ था उस वक्त, कोई और बेरदी वज़ीर आज़म तो नहीं थी। नहीं थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। उन्होंने वो डेवो कंपनी से वो सड़क बनवाई थी बगैर पैसों के, उन्होंने वो सड़क बना के उनको दी है। मुझे बताइए, बात तो सुनो ना, सड़क बना के उनको आवाम से फिर पैसे क्यों वो चार्ज कर रहे हैं? आपको पता है पिंडी जाने का, लॉस पिंडी जाने का 1000 पैसे भी ऊपर चार्ज कर रहे हैं। पैसा नहीं देना? नहीं, आपने कहा वो उन्होंने बनाई है? नहीं नहीं, उन्होंने बनाई है तो उन्होंने ठेका तो लिया ना उसका, उन्होंने पैसा लिया उसका। नहीं, आपने तो कहा वो 10 फ्री में बनाई है। बात तो सुनो ना, 10 साल तक उनका जो ठेका था ना वो उनके पास था। अच्छा। जो भी गाड़ी जाती थी वो उनसे ठेका लेते थे। वो 10 साल का जब पीरियड पूरा हो गया वो अपना सामान छोड़ के चले गए। अच्छा। अब वो मोटरवे के जो टूल टैक्स है वो सारे पाकिस्तान के हवाले कर गए, अब पाकिस्तान आके ठेके पे दे रहा है। यानी आपका मतलब है जब तक वो थे मोटरवे बड़ी अच्छी बन रही थी, अब जो मोटरवे तबाह हुई है ये नून लीग की वजह से हुई है? नून लीग की वजह से नहीं हुई। फिर किस वजह से? देखना, सड़क टूट गई, उसको कौन ठीक करेगा? कौन करेगा? यही जो हुकूमत है उसने करनी है ना, जिन्होंने बनाई है जापान वाले। भाई वो तो चलेगा, खत्म हो सकता है काम तो। भाई वो क्यों आगे ठीक रहे हैं? जब उन्होंने बनाई है वही ठीक करेंगे? नहीं नहीं, उनका काम खत्म हो गया। उनका काम था, उन्होंने बना के दे दिया आपको, आप जाते थे खाना खाते थे, मजा लगे भी ग्लास जरा भी हिल जाए, कुछ भी नहीं होता था। खाना उधर एक चिप्स का पैकेट जो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट 100 रुपए का मिलता है? नहीं, वो मिलता है वो तो आप ना लें, आप खाना छोड़ देंगे तो बहुत लोग भाग जाएंगे। जो 2-2 लाख रुपया किराया दे रहे हैं एक दुकान का, वो भाग जाएंगे, क्या करेंगे? खाना पीना हम छोड़ दें। मैं कहता हूँ ये 600 रुपए का है, कौन लेगा 600 का? कोई नहीं लेगा। जब कोई नहीं लेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। अच्छा, तो सर मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने देखें इतनी मेहनत की है, कोई काम किया, कोई बता देंगे कोई क्या किया उन्होंने 16 महीने? शहबाज शरीफ साहब ने ना सिवाय चोरी करने के सिवा कोई काम नहीं किया। सिर्फ यही काम किया उन्होंने। आज उनकी वजह से ना हम पाकिस्तान ना पाकिस्तान अपना छोड़ के जौन सा कि दूसरे मुल्कों में जलील होने के लिए जा रहे हैं। मैं खुद एज़ अ बैंक में जॉब कर रहा था, इस शहबाज शरीफ की आने की वजह से मैं आज अपने और अपना पाकिस्तान छोड़ के, मेरी कल फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ दुबई जा रहा हूँ। तो मुझे बता दे किस तरह गए, मैं भी शायद ट्राई कर लूँ। सर हम ना शहबाज शरीफ की तरह उनके चोरी किए हुए पैसों पर नहीं गए, अपने ज़ाती जो हलाली पैसे हैं उन पर गए हैं, तो इसलिए हमारा काम हो गया। जो चोरी के पैसे हैं ना उन पर काम नहीं होता। नहीं, शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं हमने हालात ठीक किए हैं, नहीं नहीं आवाम के, नहीं अपने हालात ठीक किए हैं ना, तो वो लगता है कि उसने कर लिए अपने सारे काम कर लिए। ये सारे लोटे मिले हुए हैं, ये जो निगरान आ रहा है, जो फलाना आ रहा है ना, ये सारे लोटे मिले हुए हैं इन्होंने। अब शहबाज शरीफ साहब का अपना ख़जाना फुल हुआ है, अब निगरान साहब अपना फुल करेंगे। इतनी देर में शहबाज शरीफ साहब ज़रा पैसे उड़ा के वापस आएंगे, खाली हो गया, निगरान साहब को कहेंगे अब आप चले जाएँ, मैं थोड़ी देर फिर अब आ जाऊँ, फिर वो भरेंगे अपना। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, आप तो कल बाहर चले जाएँगे, हम इधर फंस जाएँगे, हम क्या करें? हमने भी उधर जाके बातें सुननी है। ये बंदा आया जी पाकिस्तान से है, उन्होंने कहा सलाम करना ना, फ्रॉम पाकिस्तान गो। हमारी तो शहबाज शरीफ साहब ने इज्जत ही नहीं की, चौकी छोड़ी। शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने हुक्मरानी की यहाँ पे, तो कोई ऐसा काम बता दें जो आपको लगा यार उन्होंने, यार ये तो बड़ा अच्छा काम किया। कोई भी अच्छा काम नहीं किया। कोई तो काम होगा यार, 16 महीने रह कर गए, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नुकसान ही किया मुल्क का, कौन सा फायदे वाला काम किया यार? मुल्क के नुकसान का अपना तो फायदा किया है ना उन्होंने, अपना तो फायदा किया है,
अपनी तो जेबें भरी है उन्होंने यार, हर बंदा अपना ही फायदा करते देख के आप इधर काम कर रहे हैं, वाम का फायदा नहीं अपना फायदा कर रहे हैं ना। हाँ जी अपना ही फायदा कर रहे हैं, वाम का भी कर रहे हैं। हाँ जी ये तो है, वाम का भी फायदा कर रहे हैं उन्होंने, वाम का नहीं किया अपना ही किया सिर्फ। नहीं मुझे बताएं फिर वो करप्शन के अलावा और कुछ नहीं किया उन्होंने, उन्हें जो चीज़ आती है वही करनी है ना उन्होंने, तो वही करनी है। तो अच्छा भला वो कर तो रहे हैं जो उन्हें आता है, तो इसमें क्या मसला है? नाचना आता है उन्हें बस। आप मुझे बता सकते हैं कि उसका कोई अच्छा काम है? हाँ हाँ कोई एक बताएं, बताएं मुझे भी पता चले। ये वही सवाल आप मेरे से कर रहे हैं? हाँ। अच्छा ये मेरे घर की आने वाली रोड थी ठीक है, उसका खड्डा ठीक कराया बस। हाँ यस जबरदस्त यार। तो वो खड्डे पे रोज मैंने ऐसे करता था, ऐसे होता था ऐसे ठीक है, तो अब मैं ऐसे नहीं होता। ओके वेरी राइट। सर ये तो महंगाई मुकाबला मार्च लेके नहीं आए थे? हाँ हाँ वो उस टाइम पे आया था ना, तो उन्हें लगा कि यार नहीं नहीं आवाम को ना महंगाई की ज़रूरत है, तो इसलिए। अच्छा महंगाई की ज़रूरत है। फ़र्ज करें नून लीगी आप ठीक है, तो मुझे कोई 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 अच्छा कोई कोई तो काम बता दें कि यार ये बड़े अच्छे हैं आप, कोई तो अच्छा काम बता दे, कोई एक बता देना। कुछ बाकी कराची शायद मोटरवे बना दे, हम कराची के असल में यहाँ लाहौर आए हुए, पर एक मोटरवे बना दे हमारी वो काफ़ी है। चलो अच्छा कराची से? हाँ जी। तो मुझे बताएं कराची में, मैंने सुना भुट्टो अभी भी जिंदा बात ठीक है? सर वो आपको सीवियो में मिलेगा ना, रातों को घूमता रहता है। हाँ जी किधर? सीवियो में, ये डॉलमेन के साथ जो सामने बीच में घूम रहा होता है अक्सर रात को, वहाँ पे होता है। आपने देखा अपने आँखों से? देखा देखा हमने, देखा क्यों नहीं देखा। तो मुझे बताएं उसे कहते क्यों नहीं कि यार कुछ हेल्प ही कर दो सिंध के लोगों की? वो खुद नूनी से परेशान है। आपने सिर्फ ये सुनना है कि उसने अच्छा काम किया या आपने सच सुनना है? इस बात का जवाब दे दें। नहीं नहीं आप तो सच ही बता दें, मगर अगर तो आपने झूठ सुनना है तो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसके बारे में मशहूर किया हुआ था ना, वो 16 महीनों में सारी कारदगी सामने आ गई है। ये एक्चुअली आप सुनना चाह रहे थे मेरे मुंह से? शिवा शरीफ साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, बेहतरीन काम किए हैं, बड़े अच्छे पुल बनाए हैं, बेहतरीन उन्होंने सड़कें बनाई हैं जो कि टूट जाती हैं फौरी। कोई मोन्यूमेंटल काम जो है ना ये सुर्खियों वाले करते आए हैं आज तक नून लीग वाले ना, जो अखबार के अंदर मोटी मोटी सुर्खियाँ लगी हों, क्योंकि ये जो रोड बनाएंगे ये देखें, ये अभी आप कैमरा घुमाए ना, ये रोड टूट गई है ठीक है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है? यहाँ पे एक कोई अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई ऐसा अदारा जो लॉन्ग टर्म चल सके। अच्छा मैंने कुछ ऐसी रोड भी देखी बिल्कुल ठीक है ठीक है, वो तोड़ के दोबारा बनाते हैं, वो क्यों? वो इसलिए बनाते हैं सर किक बैक्स निकले उनमें से, कमीशन निकले ठीक है। पुल वगैरह बड़े अच्छे बनाते हैं रोड, पुल के फूल नहीं नहीं पुल, ये जो पुल बनाया है अंडर पास फ्लाईओवर, ये इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक हो गया। हाँ और तो ये वाली काम बड़े अच्छे करते हैं उनसे माशाल्लाह पैसे अच्छे निकलते हैं। ये जो पुल बने थे ये तो उन्होंने पिछली हुकूमत में बनाए थे, अभी क्या बनाया? अभी जो है वो आवाम को मेरे ख्याल में उल्लू बनाया ये कह सकते हैं, ये बनाया वो इस तरह कह सकते हैं। पिछली बार शिवाज शरीफ ने पुल बनाए थे, इस बार उन्होंने वही बना दिया जो आपने बोला। हाँ तो बहरहाल ये है कि अभी देखें आगे होता क्या, ये चंद दिनों में ये, नहीं नहीं उल्लू तो बन गया, अब इससे भी ज़्यादा कुछ बनना हमने नहीं सर, हम अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते रहेंगे, ये काम है हमारा। उल्लू बनने के बाद क्या बन सकता है बंदा? नहीं सुपर उल्लू, नहीं सुपर उल्लू इससे ऊपर ऊपर सुपर उल्लू। हाँ हाँ अरे वो भी होता है, गधा भी होता है कुछ वो भी आप कह ले, लेकिन हाँ। मेरे ख्याल में इस कौम को जागना चाहिए। 16 महीने उन्होंने हुक्मरानी की है ना, तो मुझे बताएं कोई अच्छे काम बता दें, क्या क्या किया? सारा अच्छा काम किया, पेट्रोल सस्ता किया, और क्या उसने अच्छा नहीं किया यार? अच्छा 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 यानी सारे अच्छे काम है। तो यार देखो ना आपको नज़र नहीं आते हैं, डॉलर सस्ता है, तेल सस्ता है, आटा सस्ता है, यार क्या सिर्फ इंसान सस्ता नहीं है, बाकी सारे सस्ते हैं। आप किस मुल्क में रहते हैं यार? ये तुम्हारा क्या नाम है, पाकिस्तान है, क्या नाम है इस मुल्क का? हाँ। तो मुझे बताओ पाकिस्तान में तो मैंने सुना है महंगाई हुई है, तो आपको क्यों नहीं लगी? यार ये लोग वैसा बोलते हैं ना, हमारे मुल्क में पेट्रोल सस्ता है, आटा सस्ता है, सिर्फ इंसान सस्ता नहीं है। यानी इसका मतलब है सिर्फ गरीब लोगों के लिए महंगाई हुई है, अमीरों के लिए नहीं हुई? नहीं पाकिस्तान में तो आपको बहुत ही रहते हैं ना, आपको भी पता होना चाहिए कि किधर महंगाई है। यार ये लोग वैसा बोलते हैं। मुझे बताओ आप करते क्या काम? मैंने भी वही काम करना है। नहीं हम तो ये पानी पी रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पानी में कुछ मिला हुआ है इसलिए इनकी तबीयत ऐसी है ना? नहीं वो बात तो नहीं है, लेकिन आप देखो ना उसने 16 सालों में क्या किया, आपने 16 महीनों का पूछ रहे हैं क्या किया?
16 सालों में उसने क्या किया यार? अंडरपास बनाया, ब्रिज बनाया, रोड बनाया या मोटरवे बनाई है? मेरे रोडों का कोई जरूरत नहीं है, मेरे लोगों को सिर्फ रोटी का जरूरत होते हैं, मेरा लोगों को सिर्फ सस्ता चीज़ों का जरूरत होते हैं, मैं दूसरे को फॉलो क्यों कर रहा हूँ? जी नाजरीन, आपने लोगों के कमेंट्स सुने, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने में कोई क्या क्या काम किए हैं, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, कीप वॉचिंग उर्दू पॉइंट।